हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी मेड दिल्ली चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे गतिविधि पत्रक की, ठीक है, जो कि क्लास 6 to 8 क्लास के बच्चों, यानी कि क्लास 6, 7 और 8 क्लास के बच्चों के लिए एक साथ एक ही गतिविधि साझा की गई है। और ये जो गतिविधि है ये क्रम संख्या 1 यानी पहली गतिविधि है। तो बच्चों, इसके पहले आपके लिए वर्कशीट आया करती थी, तो उसी के स्थान पर आपको एक्टिविटी यानी कि गतिविधि पत्रक दिए जा रहे हैं, और जो कि SCERT के द्वारा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा, उसके तत्वावधान में ये गतिविधि आपको दी जा रही है। तो प्यारे बच्चों, ये जो गतिविधि है 17 जनवरी 2022 की गतिविधि रहेगी, ठीक है। इसके आगे और भी, जैसे 18 को आपको नेक्स्ट क्रम संख्या 2 की गतिविधि आएगी, फिर 3, 4 ऐसे ही गतिविधियां ही आपको करनी है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहां अपना नाम लिखेंगे और यहां पे अपने जो भी विषय अध्यापक हैं, ठीक है, उनका नाम लिखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों बता दें, अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज की जो कहानी है वो प्यासा कौआ के ऊपर है, ठीक है, जो कि भाग 1 है। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं और आगे जो भी इसके क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग हल करेंगे। एक कौआ था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा बीहड़ इलाका है और बिल्कुल रेगिस्तानी स्थिति दिख रही है, पहाड़ हैं और कोई भी पेड़ पौधे यहाँ पे हमको दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है, कोई भी नदी नहीं दिखाई दे रही। और आगे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है पूरा रेगिस्तानी भाग है, ठीक है। उसे बहुत प्यास लगी थी, एक जो कौवा था उसको बहुत प्यास लगी थी, उसे वहाँ एक घड़ा दिखाई दिया। देखिए यहाँ पे एक उससे को घड़ा दिखाई देता है, ठीक है। आगे, परंतु घड़े में पानी बहुत कम था, जो ये घड़ा था उसमें जो पानी था वो बहुत कम था, ठीक है, मतलब उसकी पहुंच से दूर था। उसने आसपास देखा, उसने आसपास यहाँ पे देखा चारों ओर, ठीक है। उसे वहीं पे कुछ कंकड़ पड़े दिखाई दिए, देखिए यहाँ पे कंकड़ है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तो उसे जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उनको कंकड़ बोलते हैं, तो वो उसे दिखाई दिए, ठीक है। कहानी में आपको इतनी सी दी गई हैं बातें, और इसमें देखिए अब तक कही गई कहानी के आधार पर बताएं, अब तक जो कहानी आपको बताई गई कि एक कौवा था उसको बहुत प्यास लगी थी, ठीक है, उसको एक मतलब घड़ा दिखाई दिया, ठीक है, और उसमें पानी बहुत कम था, तो ये सब चीज़ें आपको अब तक बताई गई। अब देखिए इससे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब कौवा क्या करेगा, क्या कौवा पानी पी पाएगा, आप कौवे की जगह होते तो क्या करते, अब तक कही गई कहानी को अपने शब्दों में बताएं। तो ये कुछ 4 प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। तो आइए इसे हम लोग हल करते हैं। जो पहला प्रश्न है, देखिए अब कौवा क्या करेगा, तो इसमें आप लिखेंगे अब कौवा कंकड़ को उठाएगा और घड़े में डालेगा, यही करेगा ना। दूसरा प्रश्न है क्या कौवा पानी पी पाएगा, तो हाँ कौवा पानी पी पाएगा, क्योंकि कौवा ने अपनी सूझबूझ से कंकड़ को घड़े में डाला जिससे पानी ऊपर आ गया और उसने पानी पी लिया। तो ऐसे में दूसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो तीसरा प्रश्न है, आप कौवे की जगह होते तो क्या करते, ठीक है, तो मैं भी इसी तरह से सूझबूझ से काम लेता या लेती, ठीक है, कंकड़ों को इकट्ठा करके घड़े में डालता जिससे पानी का स्तर ऊपर उठ जाता और मैं भी पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता या लेती, ठीक है। लास्ट जो प्रश्न है वह है अब तक कही गई कहानी को अपने शब्दों में बताएं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यह कहानी है एक प्यासे कौवे की जिसे बहुत प्यास लगी थी और वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। अचानक उसकी नज़र एक घड़े पर पड़ी, लेकिन उस घड़े में पानी बहुत कम था, वह उसे पी नहीं पा रहा था। वह आसपास देखने लगा और उसकी नज़र वहीं पड़े कुछ कंकड़ों पर गई। तो बच्चों, इस तरीके से आज की ये जो गतिविधि है, गतिविधि पत्रक है, एक्टिविटी है, ये आपकी कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।